आज है एक अगस्त नहीं एक अक्टूबर। देखिए हम अगस्त सितंबर अक्टूबर पर आ पहुंचे। देखते ही देखते साल कैसे जल्दी से बीता है मालूम ही नहीं चला। पिछले साल कोरोना कोरोना करते बीत गया, इस साल भी देखिए कितने जल्दी बीत गया और हम आज फिर से दसवें महीने के पहले दिन पर आ पहुंचे हैं। तो आपने इस प्यारे महीने का किया तो बहुत प्यार से स्वागत होगा ही, तो हम भी उतने ही प्यार से करते हैं आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत। स्वागत तो हो गया, लेकिन ऐसा ना हो कि नया महीना अगर पिछले महीने कही हुई मुरली में बातें विस्मृति हो जाए। इसलिए चलिए आपको विस्मृति की स्थिति ना आए, इसलिए हम हर रोज प्रयास करते हैं कि पिछले दिन को भी थोड़ा महत्व देते हैं ताकि हम पीछे की मुरली ना भूल जाए। क्योंकि हो सकता है कल भी बाबा ने नीचे मुरली में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमें बताई हो। कल बाबा ने कहा था बच्चे मीठे बच्चे, अभी रावण राज पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया आ रही है, इसलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। जैसा देश वैसा भेस होता है, तो जब सत्युग आ रहा सत्यु कैसे होगा, सत्य प्रधान होगा, निर्विकारी होंगे, वहाँ पे सभी सर्वगुण संपन्न होंगे। तो जैसा देश आने वाले हैं, जैसे दुनिया में हम जाने वाले हैं, वैसा भेस धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए वैसा हमें बनने का करना है पूरा पुरुषार्थ। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी सोचो मत कि क्या करो, जो मैं श्रीमत देता हूँ उस पर चलो तो पवित्र बन जाएंगे और श्रेष्ठ देवी देवता बनकर सत्युगी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो कल की मुरली में तो मीठी बात बाबा ने कही थी, साथ ही साथ बाबा ने कहा था बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनो। जाना कहाँ है, विष्णुपुरी में जाना है, इसलिए बाप के गले की माला बनो और तभी विष्णु के गले में पिरोने के लायक बनेंगे। इसके लिए बनना है संपूर्ण सतो प्रधान अर्थात सातों गुणों में संपन्न, तब हम बनेंगे सतो प्रधान। साथ ही साथ बाबा कहते हैं बाप की मत पर चलना है। कई बार हम मनमत और परमत के प्रभाव में आ जाते हैं और इसकी वजह से श्रीमत को छोड़ देते हैं, पर बाबा कहते हैं बाप की मत पर चलो। साथ ही साथ ऐसी सेवा करो जो अनेक आत्माओं के आशीर्वाद में, सेवा मतलब ही निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है वो ही सच्ची सेवा है। ना नाम मन शान की ना इच्छा, कोई इच्छा नहीं वही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा करते हैं तभी हम बहुत आत्माओं की अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते हैं और उच्च पद पाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं त्राही त्राही होने के पहले बाप से ले लो पूरा वर्षा, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाता है तो पढ़ाई तब नहीं कर सकते हैं, तैयारी तब नहीं की जाती है। तो जब विनाश 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 शरोर होगा तब बाप से वर्षा लेना मुश्किल होगा, उसके लिए पहले से ही तैयारी आवश्यक है। फिर बाबा कहते हैं पहले ही तैयारी कर लो वर्षा ले लो। साथ ही साथ सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल बनाओ। कई बार हम बहुत रिजिड होते हैं कि नहीं मेरे से तो नहीं होता, मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ, मेरा तो बिहेवियर मेरा तो नेचर ही ऐसी है, मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं। तो क्या होता है, टकराव होता है। और अगर मन और बुद्धि में जिससे टकराव है वो ही विचार चलते हैं, जिससे योग हमारा सहज के बदले बड़ा ही मेहनत वाला हो जाता है। इसलिए बाबा कहते सहज या चाहते हो तो सरल बनो, अपने आप को सरलता के गुण पर लाओ। तो कल के मुरली से तो शिक्षा लेनी कितनी प्यारी मुरली थी, अगर रिवाइज ना करते तो फिर पॉइंट्स मिस होने का सवाल होता था। तो चलिए लेकिन आपकी मुरली हम मिस नहीं होने देते, दो दो बार करवाते हैं रिवाइज, उस दिन भी करवाते हैं और अगले दिन भी करवाते हैं ताकि आपका पुरुषार्थ तीव्र रहे। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज की मुरली से 10 सवाल। आज की मुरली को भी हम करते चलेंगे रिवाइज, लेकिन पहले रखते हैं कुछ सवाल ताकि आप जीत जाए कुछ पॉइंट्स और बढ़ चले अपनी मंजिल को प्राप्त करने की ओर। तो रखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले डैश भवा, चार ऑप्शन, ऑप्शन ए विजयी, ऑप्शन बी सफलता मूर्त, ऑप्शन सी साक्षात्कार मूर्त, ऑप्शन डी खुश नसीब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Thank you.
समाप्त हुआ। बता दे सही जवाब ऑप्शन सी साक्षात्कार हवा। तो बहुत बहुत मुबारक हो और बधाई। आप सभी ने किया है कमाल, दिया है बिल्कुल सही जवाब और बन चुके हैं बेमिसाल। तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलते आगे, रखते दूसरा प्रश्न। प्रश्न है सेवा के उमंग उत्साह के साथ क्या ही सफलता का आधार है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए गुणदान, ऑप्शन बी बेहद की वैराग्य वृत्ति, ऑप्शन सी बेहद का पुरुषार्थ, ऑप्शन डी बेहद की सेवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त हो चला है सही जवाब ऑप्शन बी बेहद की वैराग्य वृत्ति। सेवा के उमंग उत्साह के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी सफलता का आधार है। तो बहुत बहुत मुबारक हो और फिर एक बार बधाइयां। दिल खुश बिठाइया क्योंकि दिया है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके आप 10 पॉइंट्स। तो बधाई हो। बधाइयां तो ले लें, ज्ञान भी देते हैं आपको साथ ही साथ। बाबा कहते तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा दो। क्योंकि बाबा कहते जो विकारी उनका सत्यों का पासपोर्ट कैंसिल है। इसलिए हम कौन है, बहुत ऊंच जाति वाले हैं। मतलब हम जैसे दुनिया में होता है ना कि अरे कोई बहुत ऊंची जाति वाले होते हैं, वो कितना नशा होता है। मतलब हम कौन है, मतलब हर वक्त बताएंगे हम जो है इस जाति के हैं, हम इस धर्म के। नशे से रहते हैं वो और उनमें वो नशा रहता है, वो दिखाई पड़ता है सामने वाले को उनका नशा। तो हम कितने उच्च जाति के हैं, हमें कितना नशा होना चाहिए। और जिस जाति के हैं, जैसी वहाँ की कल्चर है, तो वैसे तो हमें बनना पड़ेगा। तो हम देवता हैं और देवता कैसे होते हैं, निर्विकारी। इसलिए हमें क्या करना है, गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। तो मीठी शिक्षा की मुन्नी से बढ़ते आगे रखते प्रश्न है बहुत कैसे रहना है जो हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना। चार ऑप्शन, ऑप्शन है रॉयल्टी से, ऑप्शन बी प्यार से, ऑप्शन सी खुशी से, ऑप्शन डी नम्र बनकर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीसरा प्रश्न पेश हो चुका है, बता दीजिए सही जवाब। समाप्त हो गया है सही जवाब ऑप्शन ए रॉयल्टी से। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो। बधाइयां जी बधाइयां, दिल खुश मिठाइयां की दिया है इसका भी सही जवाब और कर दिया है कमाल, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़ते आगे, रखते चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है रूहानी पाठ के सामने रूहानी बच्चे बैठे, रूहानी पाठशाला में यह क्या नहीं है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए गीता पाठशाला, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी जिस्मानी पाठशाला, ऑप्शन डी मेला। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने तो दे दिया इशारा कि टाइम सा। सही जवाब जिस्मानी पाठशाला। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयां कि आपने कर दिया है कमाल और फिर एक बार चौथे प्रश्न का दे दिया है सही जवाब। तो चौथे प्रश्न का देकर सही जवाब, बहुत सारी मुबारकें आपको मिल चुकी है। बहुत बहुत बधाइयां। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपको ले चलते मुरली की ओर, रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा ने मुरली में फरमाया मीठे बच्चे किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। बाबा कहते ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है, इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा जानती है पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सलका कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं, बाप काले
सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका ड्रेस आदि से कोई कनेक्शन नहीं। कई बार हम स्कूल में तो परिवर्तन ले आते हैं, कपड़े बदल लेते हैं और स्कूल में बहुत सारे परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पे परिवर्तन किसका करना है? संस्कारों का, आत्मा का। आत्मा कैसे तमो से सतो प्रधान बने, उस पर अटेंशन रखना है। जब आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो मुरली से शिक्षा मेरी। अब पढ़ते आगे रहते पांचवा प्रश्न। प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं। अब तुम जानते हम बाप से डैश का देवी स्वराज ले रहे हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन है पवित्रता, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी आनंद। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, चलिए बताते हैं सही जवाब। ऑप्शन ए पवित्रता। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि पांचवे प्रश्न का भी दिया सही जवाब, यानी 50% खेल तो बड़े ही प्यार से खेला है आपने। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। 50 points अगर आपके पास तो और भी बधाइयाँ। चलिए बधाइयाँ ले लिया, दुआएं ले ली, अब ज्ञान भी लेते हैं फिर एक बार। बाबा कहते पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। कई बार हम सोचते हैं हम इतना ज्ञान सुन रहे हैं, सालों से सुन रहे हैं, लेकिन धारणा नहीं हो रही है। तो बाबा कहते सुनने से नहीं होता है, बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ करना पड़ता है, सोने का बनाना पड़ता है, तभी उसमें ज्ञान ठहरता है। यानी उसको व्यर्थ से, परचिंतन से मुक्त करना पड़ता है, गंदगी उसकी साफ करनी पड़ती है, तब जाकर हम जो है ज्ञान को धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं याद से ही बर्तन सोने का होगा। जितना हमारी स्मृति में ये ज्ञान होगा, जितना हम ज्ञान को याद करते रहेंगे, बार बार बाबा की याद में रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी। साथ ही साथ बाबा कहते हैं ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र पने की आदत सब मिटा देंगे। गुस्सा, विकार, लोभ, वो सब शूद्र बना है, इससे मुक्त होना है। बाबा कहते हैं बहुत रॉयली से रहना, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, नशे में रहना, नशा है जहाँ पे वहीं पे संस्कार परिवर्तन होते हैं, जहाँ नशा नहीं है वहाँ पे संस्कार में परिवर्तन होते हैं। इसलिए नशा रखना है, कौन है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, कोई छोटे मोटे राज्य का भी मालिक बनता है इस कलयुग संसार में, कितना नशा होता है। चीफ मिनिस्टर है हम, प्राइम मिनिस्टर, कितना नशा होता है। और यहाँ पे हम कौन बनते हैं, विश्व का मालिक। छोटी मोटी बात है क्या, विश्व का मालिक, तो वो नशे में रहना है। तो चलिए, नशे तो चढ़ गया है, अभी उतरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ चढ़ा और फिर खेती खत्म होते ही उतर भी गया, ये स्थाई रहे इसका रखना है ध्यान। अब रखते हैं छठवां प्रश्न। प्रश्न, अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, क्या सिखा रहे जो पढ़ाई बगैर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए वरदानी मूर्त कैसे बने, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ऑप्शन सी राजयोग, ऑप्शन डी सेवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन सी राजयोग। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ, क्योंकि दिया है इसका भी आपने बिल्कुल सही जवाब। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई, बधाई और बधाई। चलते हैं अब आगे, रखते हैं सातवां प्रश्न। प्रश्न, इनको तो हल्का सरका कोई भी कपड़ा पहनाए तो हर्जा नहीं, इसमें कोई कैसी व भपका करने की बात नहीं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ड्रेस आदि बदलने की, ऑप्शन बी वैराग्य की, ऑप्शन सी नए ड्रेस की, ऑप्शन डी सुंदर ड्रेस की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ सही जवाब ऑप्शन ए ड्रेस आदि बदलने की। तो बहुत बहुत फिर एक बार मुबारक हो और मुबारक हो, बधाइयाँ आप सभी को क्योंकि आपने भी किया है बिल्कुल कमाल और बन चुके हैं ताजधारी पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं आप। तो बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बधाइयाँ ले ली। अब रखते हैं आठवां प्रश्न। प्रश्न है कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं, बाप कहते हैं डैश। चार ऑप्शन, ऑप्शन मन मना भावा, ऑप्शन बी दे के सब धर्म छोड़ो, ऑप्शन सी दे ही अभिमानी बनो, ऑप्शन जी कर्मातीत बनो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे तो हर एक ऑप्शन सुटेबल है कि बाबा ये सर चारों ही बातें कहते हैं, लेकिन इस वाली लाइन में कौन सी बात सही है वो बताना है आपको। वक्त समाप्त हो चला, सही जवाब बताते हैं ऑप्शन बी दे के सब धर्म छोड़ो। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा कहते हैं कोई कुछ भी है तो ये देह के धर्म है, क्योंकि आत्मा का तो सिर्फ स्वधर्म एक ही है, चाहे वो कोई भी शरीर धारण करके कोई भी स्थान का हो, कोई भी शरीर के धर्म का हो, कोई भी जाति प्रजाति का हो, लेकिन है तो सब आत्माएं और आत्मा का स्वधर्म तो सबका सामान्य है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। इस प्रश्न का दिया है सही जवाब 10 पॉइंट्स तो जीते ही आपने। अगर 80 पॉइंट्स है आपके पास तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग सिल्वर क्राउन। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। चलिए चलते हैं आगे, रखते हैं आज की मुरली से स्लोगन में बाबा ने क्या कहा वो आपके सामने। बाबा कहते सेवा की उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य प्रति सफलता का आधार है। बाबा कहते कि बेहद की वैराग्य प्रति जरूर चाहिए सफल होने के लिए। कोई भी अटैचमेंट नहीं चाहिए उससे कि जो है ये मेरी सेवा है, मेरा सेंटर, मेरी मेरा ज्ञान, मैं कुछ नहीं। सबसे परे नाम मान शान से भी वैराग्य प्रति, सब तब जाके हमें सच्ची सफलता प्राप्त होती है। तो मुरली से मीठी शिक्षा ली। अब बढ़ते आगे, रखते हैं नौवां प्रश्न। प्रश्न है भविष्य में क्या बनना है, जो द्वापर से लाइट चली जाती तो फिर सिंगल ताज रहता है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए पुण्यात्मा, ऑप्शन बी देख तो, ऑप्शन सी डबल ताज भारी, ऑप्शन डी पुण्यात्मा। है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा कि टाइम था। सही जवाब ऑप्शन सी डबल ताज धारी। तो डबल ताज धारी बनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। भविष्य में तो आपको ताज मिलेगा ही, लेकिन अभी भी आप हर रोज ताज धारी बनते हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, बधाइयां आपको, क्योंकि 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपके पास आ चुका है। देखिए भविष्य में गोल्डन दुनिया में तो जाएंगे ही, लेकिन अभी भी गोल्डन ताज भी आपके हाथ लग चुका है। वाह वाह श्रेष्ठ भाग्य, वाह ड्रामा, वाह और वाह बाबा, वाह तो है ही। चलिए रखते हैं दसवां प्रश्न। प्रश्न है पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और कौन सा चित्र बहुत जरूरी। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सीढ़ी का, ऑप्शन बी गोले का, ऑप्शन सी शिव बाबा का, ऑप्शन डी कल्पवृक्ष का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ सही जवाब ऑप्शन ए सिद्धि का। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो आप सभी को फिर एक बार बधाइयाँ, क्योंकि आपने फिर एक बार किया है कमाल और दे दिया इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। 10 पॉइंट्स तो आपने जीत ही लिए हैं उसमें तो कोई शक नहीं है, और साथ ही साथ अगर 80, 90 या 100 में से कोई भी पॉइंट्स आपके पास है तो आप बन चुके हैं ताजधारी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं
पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से, बाबा की तरफ से तो है ही, पर पावर ऑफ सकाश की पूरी टीम आपको कर रही है मिलकर कॉन्ग्रेचुले, और पूरे ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी आपको मिल रही हैं क्योंकि आपने किया है कमाल। मुरली पे रखा है टेंशन, तो यानी मुरलीधर से आपका प्यार तो कमाल का है, तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ जी बधाइयाँ। साथ ही साथ जीतने वाले भाई बहनों को पावर ऑफ सकाश की पूरी टीम ये देती है सुंदर सी ट्रॉफी। ये ट्रॉफी है आपके लिए, आपकी जीत पर ये ट्रॉफी आपके लिए पेश हुई है, इसे स्वीकार करें और अनुभव करें। स्वयं भगवान बाप दादा हमें ये ट्रॉफी दे रहे हैं। नशे से भरपूर हो जाएंगे आप। भगवान ने आपको ट्रॉफी दी है, क्या भाग्य है आपका, वह आपका श्रेष्ठ भाग्य, वह तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, बधाइयां आप सभी को, दिल खुश मिठाइयां दुआओं के साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने शो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही खिलखिलाते रहिएगा, बाबा की याद में निरंतर रहिएगा और निरंतर योगी बन, निरंतर सेवाधारी बने रहिएगा। अच्छा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।